हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे चार अलग अलग राज्यों के छह स्कूलों की परमानेंट टीचर वैकेंसी के बारे में। सभी राज्यों के कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकेंगे, परीक्षा नहीं होगी। सैलरी 44,900 आप लोगों को यहां पर मिलने वाली है। आर्मी पब्लिक स्कूल से जो है यह वैकेंसी जारी की गई है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर, और ये राजस्थान में है। नेक्स्ट वैकेंसी आर्मी पब्लिक स्कूल कामटी में है वैकेंसी। उसके बाद आर्मी पब्लिक स्कूल अलवर से वैकेंसी आई है, ये भी राजस्थान में है। आर्मी पब्लिक स्कूल आगरा, ये उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी आर्मी पब्लिक स्कूल तेजपुर असम की है। उसके बाद आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर से वैकेंसी आई है। अब एक एक करके जो है हम सभी चीज़ें यहाँ पर जानेंगे, कैसे अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन, एज, सैलरी, चयन कैसे होगा। तो चयन के लिए मैंने आप लोगों को थंबनेल में बता ही दिया है कि यहाँ पर इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन रहेगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। और मात्र 100 रुपये फीस जो है, जिस भी स्कूल के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे 100 रुपये फीस जो है आपकी लगेगी। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर राजस्थान की। इसमें कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी है, नीचे आना है आपको और अच्छे से समझते चलिएगा, क्योंकि हर वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में बताऊंगी जितनी भी वैकेंसी जारी की गई हैं। रिक्रूटमेंट सेक्शन में चेक हेयर फॉर करेंट ओपनिंग, तो इसमें रीड मोर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है सबसे ऊपर ही दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलर टीचर थ्रो CSB इंटरव्यू फॉर सेशन 2024-25। एक बात और ध्यान में रखिए, जैसा कि आर्मी पब्लिक स्कूल की जितनी भी वैकेंसी आई है तो मैंने आपको बताया है, अब जो ये वैकेंसी आ रही है तो इसमें CSB स्कोर कार्ड के बिना भी जो है आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ये सभी जो है रेगुलर टीचर्स की वैकेंसी है। नीचे दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ स्कूल स्टाफ December 2023, तो ये पुराना है, इसे नहीं ओपन करना है, हमें देखना है 2024-25। क्लिक हेयर, तो ये देखिए थोड़ा सा जो है आप लोगों को सही नहीं दिखेगा, बट मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी कौन कौन से सब्जेक्ट की किस पोस्ट की वैकेंसी है। अप्लाई करने का जो तरीका है वो सभी स्कूलों में समान है। यहाँ पर PGT और TGT की वैकेंसी है। PGT में सब्जेक्ट है इंग्लिश, ज्योग्राफी और फिजिकल एजुकेशन टीचर। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस या IP, ठीक है, इन सब्जेक्ट की वैकेंसी है। और आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर की जो लास्ट डेट रहेगी वो आपको ध्यान में रखनी है, जोधपुर राजस्थान में 25 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। अब चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल कामटी, यहाँ से वैकेंसी आई है और इसमें जो है आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिलेगा। होम पेज पर ही जो है न्यूज़ यहाँ लिखा है, सबसे ऊपर है 2 जनवरी का ये विज्ञापन है, और इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ पर दो तरीके की जो है एडवर्टीजमेंट जारी की गई है, एक 7 दिसंबर की है जो कि एडॉक बेसिस पर है, और दूसरी जो वैकेंसी है यहाँ पर रेगुलर टीचर की है, ठीक है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की जो है इमेज है, इन्होंने वेबसाइट पर ही डाली है स्कूल की, आर्मी पब्लिक स्कूल कामटी। और ये स्कूल जो है कहाँ पर है, नागपुर जबलपुर रोड, यहाँ पर ये स्कूल है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट हैं PGT में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स एंड कॉमर्स की वैकेंसी है, सभी में एक एक वैकेंसी है। दूसरा जो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस, IP एंड साइंस, ठीक है, TGT के लिए, इसमें भी जो है हर एक के लिए जो है एक एक वैकेंसी है, 1 each, प्रत्येक में एक वैकेंसी जारी की गई है। उसके बाद प्राइमरी टीचर की भी यहाँ वैकेंसी है जिसमें 3 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन जो है इन्होंने स्पष्ट यहाँ पर लिख दी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, ये आप सभी में समान समझिएगा जितनी भी वैकेंसी हैं, कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस BEd होना चाहिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए ग्रेजुएशन के साथ में BEd और CTET भी जो है यहाँ पर कंपल्सरी है। PRT के लिए ग्रेजुएशन के साथ में BEd प्लस CTET, ठीक है। CSB स्कोर कार्ड जो है अगर आपके पास नहीं है तो भी आप यहाँ पर बिल्कुल घबराए नहीं, अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास CSB स्कोर कार्ड है तो वो तो अप्लाई करें ही। यहाँ पर एक कंडीशन है बस, कि जिनके पास OST या CSB स्कोर कार्ड नहीं है तो वो 2 सालों के अंदर, आपका सिलेक्शन रेगुलर पोस्ट पर ही होगा और 2 सालों के अंदर आपको उस एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा, अन्यथा आपका जो अपॉइंटमेंट है उसे निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो ध्यान में रखिए,
आर्मी पब्लिक स्कूल कामठी की जो वैकेंसी है इसकी लास्ट डेट 20 जनवरी जो है इसकी लास्ट डेट है। इन्होंने जो है इंटरव्यू की डेट भी डिसाइड कर दी है, 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है आर्मी पब्लिक स्कूल अलवर, और ये राजस्थान की वैकेंसी है। इसके लिए भी जो है नोटिफिकेशन के लिए आपको कहाँ देखना होगा, थोड़ा सा जो है होम पेज पर ही यहाँ पर आएंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन आर्मी पब्लिक स्कूल। तो यहाँ पर जो है एज की अगर हम बात करें तो सभी स्कूलों में जितने भी वैकेंसी हम देख रहे हैं इस वीडियो में, 40 साल जो है फ्रेश कैंडिडेट के लिए है, और जिनके पास अनुभव है 5 साल का, 57 ईयर तक के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की जो वैकेंसी निकाली गई है तो इसमें 50% अंकों के साथ आपकी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ में जो है बीएड होना चाहिए। तो फिजिक्स, अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज एंड हिस्ट्री, इन 3 सब्जेक्ट की पीजीटी के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, सैलरी जो है काफ़ी अच्छी दी जाएगी, ये आप देखें। उसके बाद जो है यहाँ पर टीजीटी के लिए 6 to 10th को पढ़ाने के लिए एक ही सब्जेक्ट की वैकेंसी है, हिंदी की, जिसमें बैचलर डिग्री इन हिंदी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए, और साथ में जो है अब यहाँ पर सीएसबी स्कोर कार्ड मांग रहे हैं, बट इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी सीएसबी स्कोर कार्ड जो है वो बिल्कुल सभी में जो है चाहिए आर्मी पब्लिक स्कूल में जाने के लिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप लोगों को मिल जाएगा, सभी में एक जैसा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो वैकेंसी हम देखने वाले हैं, और ये वैकेंसी है आर्मी पब्लिक स्कूल आगरा, यहाँ की वैकेंसी है, और इसमें एक ही सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है, पीजीटी साइकोलॉजी ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, अप्लाई थ्रू सीएसबी स्कोर कार्ड नहीं भी है तो भी आप अप्लाई करें, क्योंकि सभी में ये नियम आ गया है कि जिनके पास सीएसबी स्कोर कार्ड नहीं है वो 2 सालों के अंदर इस एग्जाम को, जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है AWES के द्वारा, तो उसे जो कि हर साल होता है, तो आप उसे पास कर लें और यहाँ पर सिलेक्ट हो। ठीक है, तो पीजीटी साइकोलॉजी रेगुलर बेसिस पर ये वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका साइकोलॉजी में होना चाहिए, इसके साथ में डिप्लोमा या डिग्री साइकोलॉजी का चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्मेट के लिए जो है यहाँ पर नीचे है, क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद लास्ट जो वैकेंसी है आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर की, तो यहाँ पर करियर सेक्शन है और इसी में आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पर जो है नीचे आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर की कटिंग, इस पर भी क्लिक करके जो है आप देख सकते हैं टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों की वैकेंसी है। ठीक है, टीचिंग स्टाफ में यहाँ पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी इसकी वैकेंसी है, तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना होगा। दूसरा जो है यहाँ पर जो नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है, एडीएम, सुपरवाइजर, एलडीसी, यूडीसी, डीवीआर, एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें सभी अप्लाई कर पाएंगे, एपीएस जयपुर। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को इस पर क्लिक करना होगा। तो टीचिंग स्टाफ की जो है देख लेते हैं, यहाँ पर जो है जयपुर की जो वैकेंसी है इसमें वैकेंसी जो है यहाँ पर 31 मार्च 2027 तक जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर की जा रही है। ठीक है, शायद यहाँ पर जो है अभी नया नियम जो है इन्होंने नहीं लगाया है, 5 जनवरी 2024 को तो वैसे विज्ञापन जारी हो चुका है, और हर जगह रेगुलर बेस पर परमानेंट वैकेंसी आई है, बट यहाँ पर 3 साल का जो है इन्होंने बताया है। सब्जेक्ट देख लें, पीजीटी इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, टीजीटी में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथ साइंस, कंप्यूटर साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड काउंसलर। तो यहाँ पर वैकेंसी सभी स्कूलों के मुकाबले ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हर पोस्ट की आप देखें, 4, जैसे हिंदी है उसमें 4 वैकेंसी हैं, साइंस में 5 वैकेंसी हैं, सोशल साइंस में 3 हैं पोस्ट, और टीजीटी में 2, संस्कृत में 2 वैकेंसी हैं। ठीक है, लास्ट डेट जो है यहाँ पर क्या रखी गई है, तो 25 जनवरी 2024 रखी गई है। और भी अच्छे तरीके से अगर एडवर्टीजमेंट देखना चाहे तो नीचे भी इन्होंने दिया है, वैकेंसी फॉर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, डिटेल में जो है जान सकते हैं। इस तरीके से जो है पेज ओपन होगा, सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म ही मिल जाएगा आप लोगों को। ये आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर की वैकेंसी के बारे में हम बता रहे हैं, और 100 रुपये का ही डिमांड ड्राफ्ट जो है हर स्कूल के लिए, जिस भी स्कूल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस स्कूल के लिए आपको बनवाना होगा। बैंक में जाएंगे और जैसे आर्मी स्कूल जयपुर राजस्थान इसके लिए बनवा रहे हैं तो आप उनको कहेंगे और आपका 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जो है स्कूल के नाम का बन जाएगा। ये पिन कोड है स्कूल का,
ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये एनवलप के ऊपर आपको जरूर लिखना होगा। कहीं पर भी भेज रहे हैं ईमेल नहीं करना है आप लोगों को, या तो स्कूल में जाकर आप लोग सबमिट कराएं, नहीं तो बाय पोस्ट, ठीक है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट ये लिखा है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है आप यहाँ पर देखें, 3 साल के लिए जो है ये कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, पीजीटी और टीजीटी के लिए। सब्जेक्ट मैंने आपको दिखा दिया है और बाकी सारी चीज़ें आपको समझा ही दी हैं। सैलरी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर 47,600 प्लस डीए, और टीजीटी के टीचर्स की जो सैलरी है 44,900 प्लस डीए। ठीक है, सैलरी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैलरी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, सीएसबी स्कोर कार्ड नॉट मैंडेटरी, यानी कि अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू की डेट जो जयपुर की जो वैकेंसी है आर्मी पब्लिक स्कूल, फरवरी में ही जो है आप लोगों का इंटरव्यू रहेगा। तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस जरूर जो है एप्लीकेशन फॉर्म में लिखें, उसी के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट जो है यहाँ 25 जनवरी 2024 है। तो ये सभी स्कूलों की इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है। सभी का लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा ताकि सभी को सूचना मिल सके। दूसरी जो वैकेंसी है आर्मी पब्लिक स्कूल में नॉन टीचिंग स्टाफ की भी है, तो इसे भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है क्या मांगी गई है। ठीक है, इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर जो है सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन की एक पोस्ट है, और इसमें जो है आवश्यक क्वालिफिकेशन जो है रिटायर्ड जेसीओ या ऑनरी रैंक हैविंग, तो ये तो है जो आर्मी पर्सन के लिए है। ठीक है, इसे हम छोड़ देते हैं। अकाउंटेंट के लिए जो है कॉमर्स में ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए एक पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 3 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन मांगी गई है, और ये सभी जो पोस्ट हैं मुझे ऐसा लगता है ये सभी जो है एक्स सर्विस मैन के लिए हैं, जो भी आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए हैं ये, क्योंकि यहाँ यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन या फिर 10 ईयर ऑफ सर्विस एज अ क्लर्क फॉर एक्स सर्विस मैन, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो टीचिंग स्टाफ की जो है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करिएगा, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक डाल दिया जाएगा ताकि आप लोग मेन वेबसाइट पर स्कूल की आ सकें। जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग उसी स्कूल के नाम का डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी फोटोकॉपी उसमें लगाएंगे आप लोग, साथ में अगर सीएसपी स्कोर कार्ड आपके पास है तो उसे आपको लगा देना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो इनके पास कोई भी अनुभव नहीं है वो सभी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ में। थैंक यू।